Good morning everyone, I am Zareen and I will teach you computer. It's your computer turn today. Now open your chapter number 2 in computer book, that is on page number 13. Your chapter number 2 is parts of a computer. Computer ke parts. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था. कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो क्या वर्क करते हैं. तो चलिए हम क्विकली इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरियस बेसिक एंड एडवांस्ड पार्ट. कंप्यूटर एक मशीन है जो विभिन्न बेसिक और एडवांस्ड पार्ट्स यानी भागों से बना हुआ है. दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद वायर्स. और ये जो पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सब वायर्स यानी तारों के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दिस सिस्टम वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. और ये जो पूरा सिस्टम है, ये किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से काम करता है. बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर हैज़ फोर मेन पार्ट्स. कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ हम. कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं, फोर मेन पार्ट्स होते हैं. देखिए कौन कौन से हैं. नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 सीपीयू कैबिनेट और सीपीयू बॉक्स, नंबर 3 कीबोर्ड, नंबर 4 माउस. ये क्या हैं, ये कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट्स हैं. ऑल ऑफ देम टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम. और ये सभी एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. देखिए स्क्रीन पे आपको इन सब की पिक्चर दिख रही है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस. ऑल ऑफ दीज पार्ट्स आर जनरली कनेक्टेड बाय वायर्स टू मेक देम वर्क. और ये सभी पार्ट्स आमतौर पर किसके द्वारा, वायर्स से यानी तारों से जुड़े हुए होते हैं ताकि वे काम कर सकें. लेट अस स्टडी दीज पार्ट्स वन बाय वन. चलिए अब हम इन पार्ट्स के यानी इन भागों के बारे में वन बाय वन एक एक करके स्टडी करते हैं. नंबर 1 पर क्या है आपका, मॉनिटर. अ मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU. स्टूडेंट्स, मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU भी कहा जाता है. इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो. और ये हमें डिस्प्ले पर टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के रूप में इंफॉर्मेशन देता है. इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, साइज, शेप्स एंड डिज़ाइंस. और ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइज, अलग शेप और अलग अलग डिज़ाइंस में अवेलेबल है यानी उपलब्ध है. सेकेंड है आपका CPU कैबिनेट. अ CPU कैबिनेट कंटेन्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. CPU के फुल फॉर्म क्या है, C सेंट्रल, P प्रोसेसिंग, U यूनिट. द CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग भी कहा जाता है. इट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. और CPU देखिए क्या वर्क करता है, CPU कंप्यूटर के जो अदर पार्ट्स हैं उन सभी को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज. देखिए एक कीबोर्ड जो होता है वो आम तौर पर किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर. जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ये कीबोर्ड है किस शेप में है, ये रेक्टेंगुलर में होता है और ये अलग अलग साइज में अवेलेबल है. इट कंटेन्स मैनी बटन्स नोन एज कीज. और इसमें कई सारे बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज के रूप में जानते हैं. दीज कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स, लेटर्स एंड अदर सिम्बल्स. और इन कीज़ का यूज़ हम कोई भी नंबर या लेटर या हम को अदर सिंबल कुछ भी जो हम टाइप करते हैं तो हम इन कीज़ का यूज़ करते हैं. वॉट एवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर. जो कुछ भी हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं उसको हम मॉनिटर पर देख सकते हैं. फोर्थ है आपका माउस. अ माउस कम्स इन वेरियस साइज, शेप्स एंड डिज़ाइंस. माउस जो होता है वो अलग अलग साइज, शेप और डिज़ाइंस में आता है. इट हैज़ टू बटन्स एंड अ स्क्रॉलिंग व्हील्स. देखिए इसमें दो बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉलिंग व्हील होता है. इट इज़ यूज टू पॉइंट, मूव एंड सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. और इसका यूज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने में या मूव करने में किया जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. और माउस की हेल्प से हम कोई भी पिक्चर जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उस पर गेम्स भी खेलते हैं. अब नेक्स्ट है आपका एडिशनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर.
Apart from the four basic parts, there are some other parts which can be attached to the computer system for other functions. देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़े हैं, कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट्स पढ़े हैं, है ना। लेकिन अब क्या बता रहे हैं यहाँ कि इन फोर बेसिक पार्ट्स के अलावा भी कंप्यूटर के कुछ अदर पार्ट्स हैं जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम के जो अदर फंक्शंस हैं उनके साथ जोड़ा जा सकता है। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अब चलिए हम उनमें से कुछ के बारे में सीखते हैं। नंबर वन है प्रिंटर। अ प्रिंटर प्रिंट्स आर वर्क लाइक टेक्स्ट पिक्चर्स एक्सेट्रा ऑन पेपर फ्रॉम द कंप्यूटर। प्रिंटर देखा है आप सभी ने, तो एक प्रिंटर हमारा वर्क को, वो चाहे टेक्स्ट में हो, जैसे टेक्स्ट में हो या पिक्चर हो आदि, उन सभी उस वर्क को कंप्यूटर के द्वारा क्या करता है, पेपर पर प्रिंट करता है। द शीट ऑफ पेपर ऑन विच आर वर्क इज प्रिंटेड इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट। और वो शीट जिस पेपर पर हमारा वर्क प्रिंट होता है, प्रिंट होकर आता है, वो उसे क्या कहते हैं, प्रिंट आउट कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड कॉपी, और उसे हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं, मतलब हार्ड कॉपी भी कहा जाता है, उसको प्रिंट आउट भी कहते हैं और हार्ड कॉपी भी कहते हैं। प्रिंटर्स कैन गिव कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स। देखिए प्रिंटर्स हमें कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी दे सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। देखिए प्रिंटर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, प्रिंटर्स अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आपको उसमें पिक्चर दे रखी है, कौन कौन से हैं, नंबर वन लेज़र प्रिंटर, सेकेंड है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और थर्ड है आपका इंकजेट प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट है आपका UPS। UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो UPS की क्या फुल फॉर्म है, U अनइंटरप्टेड, P पावर, S सप्लाई। इट कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम मोर इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। और देखिए UPS क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, बिजली को, लाइट को। तो ये जब बिजली बंद होने के बाद भी कंप्यूटर पर काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक जो वर्क है उसको रखता है। नेक्स्ट है स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू डिफरेंट साउंड्स एंड म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर स्पीकर का यूज़ कंप्यूटर पर हम कब करते हैं, जो अलग अलग साउंड और म्यूजिक को सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ करते हैं। हेडफोन्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू लिसन द म्यूज़िक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। और हेडफोन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें म्यूज़िक सुनना होता है, हम विदाउट डिस्टर्बिंग हमें म्यूज़िक सुनना होता है, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हेडफोन का यूज़ करते हैं। These are connected to the CPU box। और ये स्पीकर्स, हेडफोन जो है वो किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, CPU box से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस एंड डिफरेंट साउंड्स। देखिए माइक्रोफोन का यूज़ अलग अलग साउंड्स और जो वॉइस होती है यानी आवाज़, उसको रिकॉर्ड करने में किया जाता है। उसके बाद है आपका जॉयस्टिक। वी यूज अ जॉयस्टिक टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। देखिए हम कंप्यूटर पर जॉयस्टिक का यूज़ किस लिए करते हैं, गेम्स खेलने में करते हैं। इट हेल्पर्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। और ये क्या करता है, स्क्रीन पर पॉइंटर के जो मूवमेंट होती है, पॉइंटर की जो गति होती है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब आता है आपका स्किल्स। राइट द फंक्शंस ऑफ गिवन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आपको ये क्या दे रखे हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स जो हैं वो गिवन हैं, आपको इनके फंक्शंस लिखे हैं, लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये आपको खुद कंप्लीट करना है। उसके बाद है आपका स्कैनर। वी यूज़ अ स्कैनर टू पुट आर पिक्चर्स इन टू द कंप्यूटर। तो हम स्कैनर का यूज़ कंप्यूटर में पिक्चर्स यानी कोई भी चित्र उसको डालने के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क। इट स्टोर्स ऑल द डेटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए हार्ड डिस्क क्या करते हैं, जो ये कंप्यूटर सिस्टम का डेटा जो होता है वो सभी डेटा को स्टोर करता है। कौन, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। और देखिए हार्ड डिस्क कहाँ होता है, CPU बॉक्स के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर द डेटा ऑफ द कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको स्टोर करने में किया जाता है। These devices store the data permanently in them। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो devices होती हैं इसमें जो data होता है वो permanently उसमें store हो जाता है। Data can be related both input और output। और ये data input और output दोनों हो सकता है। We can use CD, DVD and pen drive to store the work we do on a computer। हम कंप्यूटर पर जो वर्क करते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम CD, DVD और pen drive का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अ सीडी इज राउंड इन शेप एंड कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए सीडी जो होती है वो किस शेप में होती है? राउंड शेप में होती है, गोल होती है, और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज एक्सेट्रा। देखिए इसका यूज़ म्यूजिक सुनने में, मूवीज देखने आदि में किया जाता है। सिस्टम कैबिनेट हैव अ सीडी रोम ड्राइव दैट प्लेस अ सीडी। सिस्टम कैबिनेट में एक सीडी रोम होता है जो सीडी प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या है डीवीडी की फुल फॉर्म? डिजिटल वीडियो डिस्क। अ डीवीडी इज ऑल्सो राउंड इन शेप। डीवीडी भी शेप में राउंड होती है, जैसे सीडी राउंड शेप में होती है, इसी तरह डीवीडी भी उसका शेप कैसा होता है? राउंड होता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई। और इसकी डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। वी कैन रिकॉर्ड कंप्लीट फिल्म्स ऑन अ डीवीडी। हम एक डीवीडी में कंप्लीट फिल्म, पूरी जो फिल्म होती है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव कैन स्टोर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। एक पेन ड्राइव अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसके आधार पर डिफरेंट अमाउंट्स, विभिन्न मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। अ यूएसबी पोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट इट इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डालने के लिए किस चीज़ की रिक्वायर्ड होती है? यूएसबी की आवश्यकता होती है। अब है आपका पॉइंट्स एट अ ग्लांस। स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है वो इसका शॉर्ट है, हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब आपको ये जो पॉइंट एट अ ग्लांस है ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।